अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इजी लाइफ विद जहां। आज हम बनाएंगे वाइटनिंग क्रीम जो कि बेस्ट रिजल्ट है आपके स्किन के लिए। तो हम कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, वो आप देख लीजिए। ये राइस फ्लावर है, चावल का आटा। ये है गोंद कतीरा, ये ढेले के फॉर्म में होता है। इसको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे पहले, तो ये इस तरीके से टेक्सचर हो गया इनका, ठीक है। ये है शहद और ये है नौशादर, ठीक है। बिल्कुल नमक की तरह होता है, ये आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। ये है नौशादर। अब आपने, अच्छा, ये जो हम क्रीम प्रिपेयर करेंगे, इसको आपने सिर्फ चेहरे पर नहीं लगाना, चेहरे पर, गले पर, हाथों पर और पैरों पर भी लगाना है। इससे आपका पूरा कंप्लीट इफ़ेक्ट आएगा। ये क्रीम आपकी राउंड अबाउट 100 रुपीज़ में बनेंगी, जो कि हम 3000-4000 में हम ख़रीद रहे हैं वाइटनिंग क्रीम्स। तो इंशाल्लाह ताला यू विल गेट द बेस्ट रिज़ल्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमारे चेहरे पे हम जो धूप में जाते हैं और ये सारी चीज़ें होती, तो इससे हमारे चेहरा टैन हो जाता है धूप की वजह से। तो ये जो नौशादर है, ये आपके टैनिंग को कट करेगा, ठीक है। शहद देगा मॉइस्चराइजेशन, गोंद कतीरा आपको देगा स्टार्च और खिंचावट, ये राइस जो है ये वाइटनिंग इफ़ेक्ट है, जैसे सबको मालूम है। तो ये हमने ले लिया एक चम्मच राइस फ्लावर। ये अभी मैं सिर्फ चेहरे का बता रही हूँ, आप जब ज़्यादा बनाएंगे तो ये क्वांटिटी डबल कर देंगे। एक चम्मच गोंद कतीरा, एक चम्मच शहद, आधा चम्मच नौशादर, आधा चम्मच, ठीक है। और फिर आपने इनको अच्छी तरीके से स्टर कर लिया। ये आप जब इसको स्टर करेंगे, मिलाएंगे अच्छी तरीके से, देखिए कि क्रीम्स टेक्सचर होगा। कुछ भी नहीं, 2 मिनट में आपकी क्रीम तैयार हो जाएंगी, कुछ मेहनत नहीं है इसको बिल्कुल भी। ये देखिए, ये इतना मिक्स करना है कि नौशादर वगैरह इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, सही है। अब ये हमारी बन गई ये क्रीम। आपने इसको लेना है और अप्लाई करना है अपने स्किन पर, अपने हाथों पर, अपने फेस पर, इस तरीके से। इसको लगाकर आपने राउंड अबाउट 20 मिनट्स, 20 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे इसको, ये ड्राई होने लगेगा, सही है। फिर इसको आपने, जब ये सूखने लगे, तो हल्का हल्का सा स्क्रब कर लीजिए। ये स्क्रब फॉर्म भी आपको टेक्सचर देगा, स्क्रबिंग, ये आपकी स्किन की स्क्रबिंग हो जाएंगी जब आप इसको इस तरीके से करेंगे। आफ्टर 20 मिनट, जब ये ड्राई हो जाए, तो थोड़ा सा पानी लेकर आप इसको इस तरीके से स्क्रबिंग करेंगे अच्छी तरीके से, और फिर इसको आप वाइप आउट कर ले या धो ले। देखिए, ये आपकी सब निकल जाएंगी डेड स्किन। और ये तो मैंने, यानी 2 मिनट्स का आपको रिजल्ट बता रही हूँ। इंशाल्लाह आप जब 15 मिनट्स का करेंगे, आप खुद देखेंगे। ये हाथ देखिए मेरा और ये हाथ देखिए, यू विल सी द वास्ट डिफरेंस, ठीक है। तो ये सारे हमारी इंग्रेडिएंट्स थी हमारे पास, और यही चीज़ें हमने अब, ये मैंने बोतल में ये बना के रख दी है। ये मैंने एक्चुअली 3 रोज़ पहले बनाई है क्रीम, ये आपको बताने के लिए कि ये रह सकती है। मैंने ये नहीं कि अभी के अभी बनाई, ये मैंने 3 दिन पहले बनाई थी और ये माशाल्लाह से अभी तक सही है। इसको मैं प्लास्टिक के चम्मच से निकाल के यूज़ करती हूँ और फिर इसको वापस से मैं एयरटाइट करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये है आपका, ये ठीक है। तो स्टे ट्यून विद जहां, इजी लाइफ विद जहां। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हम जहां, आसानी वहां। देखिए ये प्रोग्राम जहां के साथ।